हेलो डी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल स्टूडेंट्स यप मास्टर में फिर से एक बार आपका स्वागत है स्टूडेंट्स देखिए हम कॉकरोच पेरी प्लानेटा अमेरिकाना टाइप स्टडी डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स देख सकते हो कॉकरोच राइट राइट आज हम कॉकरोच कंप्लीट करने जा रहे हैं स्टूडेंट राइट कॉकरोच में हमने अभी तक मार्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच देखा स्टूडेंट्स एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम और सेंसरी आर्गान देख चुके हैं स्टूडेंट आज के सेशन में हम देखिए काकरोच का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम कह सकते हो आप उसको राइट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट राइट राइट काकरोच का रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पूरे काकरोच इंपॉर्टेंट है याद रखिए काकरोच छोटा है बहुत ही छोटा एक सब टॉपिक है स्टूडेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स चैप्टर में और यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स की बात करते हो तो स्टूडेंट्स वहाँ पर एनिमल टिश्यूज से एक आधी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आने का चांस है और राइट अर्थवाम फ्रॉग कॉकरोच ये तीन टॉपिक्स से डी स्टूडेंट्स राइट सब टॉपिक्स आप कह सकते हो एक सब टॉपिक है चैप्टर में एक सब टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़ इस तरह से एक अर्तवाम है स्टूडेंट अर्थवाम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉकरोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमस में से क्वेश्चन बनेगा तो एक एनिमल टिश्यू के ऊपर और दूसरा कॉकरोच के ऊपर स्टूडेंट राइट राइट चलो हम देखते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में है क्या देखिए स्टूडेंट्स हमने बहुत ही पहले डिस्कस किया था जब हमने कॉकरोच शुरू किया था फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कॉकरोच में यू नो मेल एंड फीमेल कॉकरोच आर सेपरेट डी स्टूडेंट्स राइट कॉकरोच में क्या होता है सेक्सेस आर सेपरेट याद रखिए मतलब कॉकरोच कैसा होता है यूनिसेक्सुअल होता है स्टूडेंट्स डैश होता है याद रखिए और वहाँ पर मेल कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आप जो दिख रहे हो स्टूडेंट रहे थे यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल कॉकरोच में स्टूडेंट याद रखिए फीमेल कॉकरोच में उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डिवलप्ड होता है याद रखे स्टूडेंट्स अभी देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट्स देखेंगे स्टूडेंट्स मेल में क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट राइट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर आप पार्ट्स देखोगे स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेल गोनेट्स बोलते हैं ना स्टूडेंट्स वो है टेस्टिस राइट वन पेयर ऑफ टेस्टिस वी कैन फाइंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड अपार्ट फ्रॉम वॉट टेस्टिस यू कैन फाइंड वॉट सेमिनल वेसिकल्स डे स्टूडेंट्स ये भी एक याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है राइट right? तीसरे अगर आप कॉम्पोनेंट देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ग्लैंड स्टूडेंट्स राइट रिप right? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं हम उनको शॉर्ट में एक्सेसरी ग्लैंड्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स राइट राइट याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एक्सेसरी ग्लैंडस कौन से हैं एक है फैलिक ग्लैंड स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फैलिक ग्लैंड एक है दूसरा है देखिए मशरूम ग्लैंड है मशरूम शेप्ड ग्लैंड है मशरूम ग्लैंड है स्टूडेंट उसमें देखेंगे इसमें दो तरह के ट्यूब्स होते हैं पेरीफेरल ट्यूब्स जो है ना स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉलर होते हैं और जो पेरीफेरल ट्यूब्स है वो लार्जर होते हैं लॉन्ग होते हैं और सेंट्रल ट्यूब से ना स्मॉल होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है अब देखिए एक्सटर्नल जेनेटियालिया स्टूडेंट्स राइट यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये पोस्ट एंड में आपको कुछ खाइटिनस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे असीमेट्रिकल खाइटिनस स्ट्रक्चर्स उनको हम राइट सो एक्सटर्नल जेनेटियालिया या मेल एक्सटर्नल जेनेटियालिया कहते हैं स्टूडेंट्स फैलोमेल्स कहते है. चलो अभी देखे देखे स्टूडेंट्स आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है आपने थोड़ा सा जान लिया यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ टेस्टिस सेमिनल वेसिकल्स राइट स्टूडेंट राइट याद रखिए एक्सेसरी ग्लैंड से यू नो मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड कह सकते हो या मेल एक्सेसरी ग्लैंड कह सकते हो फैलिक ग्लैंड मशरूम ग्लैंड ये स्टूडेंट्स और मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया या आप इनको फैलोमेस भी कह सकते हो स्टूडेंट्स राइट सो दीज आर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हमको स्टूडेंट्स क्या करना है वन बाई वन हमको देखना है स्टूडेंट्स राइट राइट टेस्टिस कहाँ पर है उनका काम क्या है स्टूडेंट्स ये देखना है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्लियरली मैंशन किया है यहाँ पर राइट right? यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट से स्टूडेंट राइट यहाँ पर सेमिनल वेसिकल को मैंने हाईलाइट करके बताया स्टूडेंट्स राइट नेक्स्ट में हम देखेंगे वन बाई वन अब देखते हैं स्टूडेंट्स टेस्टिस के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं अभी टेस्टिस के बारे में राइट right? राइट right? आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन किया है कितने टेस्टिस से देखिए ये ये एक टेस्टिस से स्टूडेंट्स इधर एक टेस्टिस है राइट right? इधर एक टेस्टिस है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेल काक्रोच इज़ हैविंग one pair of टेस्टिस डियर स्टूडेंट्स एंड दे आर लोकेटेड वेयर दे आर लोकेटेड फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट स्टूडेंट याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का चांस है याद रखिए कौन सा ये जो सिक्स टू जो फोर टू सिक्स लिखा है ना स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिए सो so इतना ही याद रखना है आपको मेल काक्रोच कंसिस ऑफ वाट वन पेयर ऑफ टेस्टिस एंड पेयर ऑफ टेस्टिस दे आर लाइंग राइट लेटरली स्टूडेंट्स इन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट फोर्थ टू सिक्स का मतलब क्या होता है फोर्थ फिफ्थ और सिक्सथ एबडामिनल सेगमेंट्स में दे आर लाइंग लैटरली याद रखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, आपको तो पता है टेस्टिस का काम क्या है टेस्टिस में कभी भी टेस्टिस मेल गोनेट्स या स्टूडेंट्स याद रखिए प्राइमरी सेक्स आर्गान्स या गोनेट्स कह सकते हो आप राइट सो so, टेस्टिस प्रोड्यूस व्हाट स्पर्म्स स्टूडेंट्स राइट या मेल गैमेट्स याद रखिए ये दो पॉइंट आपको याद रखना है सो so, कॉकरोच में कितने टेस्टिस है दो है याद रखिए और कौन से सेगमेंट्स में होते हैं स्टूडेंट्स चार पाँच छः राइट फोर टू सिक्स एबडोम सेगमेंट्स में होते हैं लेटरली अरेंज है याद रखिए एंड टेस्टिस प्रोड्यूस व्हाट स्पर्मेटोजुआ स्पर्म्स डियर स्टूडेंट्स बस इतना ही याद रखना है बस स्टूडेंट राइट राइट ये है टेस्टिस अब देखिए स्टूडेंट्स मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर देख सकते हो आप एन सी आर टी का बुक खुला रखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए फ्रॉम ईच टेस्टिस वाट हैपेंस वन डक्ट आर डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये यह इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर राइट ये इमेज में आपको दिखे दिखेगा यहाँ पर व्यास डिफरेंस बताया गया है स्टूडेंट्स राइट ये व्यास डिफरेंस देखिए एक ई फ्रॉम ईच टेस्टिस राइट एक टेस्टिस से एक टेस्टिस से फ्रॉम ईच टेस्ट टेस्ट इस वॉट नैरोज अराइजिंग डी स्टूडेंट्स राइट थिन डकटीज अराइजिंग एंड थिन डक्टिस का वॉट व्यास डिफरेंस स्टूडेंट याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आपको व्यास डिफरेंस का मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स क्या है व्यास डिफरेंस बताइए फ्रॉम ईच टेस्टिस राइट अ थिन डक्ट अराइज एंड दट थिन डटिस काल वॉट व्यास डिफरेंस राइट राइट जो भी स्पर्म्स है स्टूडेंट्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो गए वो ये व्यास डिफरेंस के थ्रू पास होते याद रखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेस्टिस से क्या निकल रहा एक डस्ट डक्ट निकल रहा स्टूडेंट्स राइट एक ट्यूब निकल रहा ये ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं व्यास डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट्स वैसा डिफरेंस या प्लूरल है व्यास डिफरेंस सिंगुलर है याद रखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यास डिफरेंस राइट लीड्स इन टू वॉट सेमिनल वेसिकल्स डे स्टूडेंट्स याद रखिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया है आप देखिए ये जो मैंने इक्वेशन बताया उसको याद रखिए स्टूडेंट्स सो फ्रॉम ईच टेस्टिस थिन डक्ट आ रहा है दिस कॉल्ड वैस डिफरेंस वैस डिफरेंस लीड्स इंटू वाट सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स राइट बहुत ही सिंपल है सेमिनल वेसीिकल्स लीड इन टू वाट सेमिनल वेसीिकल्स लीड्स इं टू ये याद रखिए एजाकुलेटरी डक्ट डे स्टूटेंट्स राइट सेमिनल वेसिकल लीड इं टू एजाकुलेटरी डक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर एजाकुलटेड एक्ट ओपन आउट बाय मींस ऑफ व्हाट आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन किया क्लियरली एवरीथिंग कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलती है स्टूडेंट्स राइट राइट आप देख सकते हो सेमिनल बेसिकल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा वो पीछे रहेगा इसके तो आपको याद रखना है एक टेस्ट ये फ्रॉम ईच टेस्टिस वाट हैपन्स वाट आराइजिस डक्ट अर आइजिस कार्ड वैस डिफरेंस याद रखिए वैस डिफरेंस लीड्स इंटू वट सेमिनल वेसिकल फिर सेमिनल वेसिकल किस में ओपन होगा स्टूडेंट याद रखिए सेमिनल वेसिकल ओपनस इंटू एजाकुलेटरी डक्ट देखिए आप यहां पर दिख रहा है आपको ये वेजाकुलेटरी डक्ट है स्टूडेंट राइट वेजाकुलेटरी डक्ट एंड एजाकुलेटरी डक्ट ओपन आउटसाइड बाई मीन ऑफ वाट राइट डे स्टूडेंट्स ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेल राइट गोनोपोर डी स्टूडेंट्स ये जो मैंने मेंशन किया कि है मेल जेनेटल अपर्चर कहिए मेल गोनोपोर कहिए मीनिंग एक ये स्टूडेंट्स राइट विच इज सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस ये सीक्वेंस याद रखिए सीक्वेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है याद रखिए देखिए अब जो स्पर्म्स का जो मूवमेंट होगा राइट स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस दे एंटर वॉट वैस डिफरेंस वैश डिफरेंस से होते होते स्पर्म्स कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स सेमिनल वेसिकल्स में जाएंगे सेमिनल वेसिकल्स से होते होते स्पर्म्स कहाँ जाएंगे इसमें डक्टस एजाकुलेटे डक्ट में जाएंगे स्टूडेंट्स राइट right? याद रखिए इजाकुलेटे डक्ट में इजाकुलेटेड डक्ट से स्पर्म्स राइट वो स्पर्म्स बंडल के रूप में ट्रांसफर हो जाते स्पर्मेटो फोर्स कहते हैं उनको याद रखिए तो जो स्पर्म्स है स्टूडेंट्स एजाकुलेटेड डक्ट एजाकुलेट डक्ट ओपन होगा राइट ओपनिंग ऑफ द एजाकुलेटेड डक्ट इज कॉल्ड व्हाट मेल गोनोपोर या मेल जेनिटल अपर्चर कह सकते हो आप उसको वो विंटरली लोकेटेड रहता है एन के स्टूडेंट राइट और वो थ्रू मेल गोनोपोर व्हाट वाट स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट स्पर्म बंडल्स स्पर्मेट ऑफ फोर्स दे आर यू नो इनकारपोरेटेड इंटू वाट दे आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल बॉडी डी स्टूडेंट्स याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट अभी तक हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आऊँगा स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इन्जॉय करिए और आगे बढ़िए स्टूडेंट राइट राइट चलो स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में सेमिनल वेसिकल है क्या सेमिनल वेसिकल का क्या काम है हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे स्टूडेंट्स राइट राइट देखिए स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिए स्टूडेंट्स राइट सेमिनल वेसिकल का काम क्या है स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल स्टूडेंट्स राइट एंड हीयर स्पर्म्स आर ग्लूट टूगेदर टू फार्म वॉट बंडल ऑफ स्पर्म्स डे स्टूडेंट्स एंड बंडल ऑफ स्पर्म्स को स्पेरमेटो फोर्स कहते हैं याद रखिए ये वर्ड याद रखिए कभी भी लाइफ में यहाँ पर ही नहीं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर आपके सामने स्पर्मैटो फोर्स आता है स्टूडेंट्स तो उसको क्या कहते हैं बंडल ऑफ स्पर्म्स कहते हैं यहाँ पर हम अर्थवाम में भी स्पर्मेटो फोर्स देखे थे काकरोच में ही नहीं बल्कि अर्थवाम में भी हमने स्पर्मेटो फोर्स देखे थे कभी भी लाइफ में याद रखिए स्पेमेटो फोर्स आया तो उसका मतलब है बंडल ऑफ स्पर्म्स डियर स्टूडेंट्स राइट राइट चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या देखा हमने सेमिनल वेसिकल्स स्टोर स्पर्म्स राइट सो स्पर्म्स आर ग्लू टूगेदर टू फॉर्म वॉट बंडल एंड बंडल ऑफ स्पर्म्स आर कल वॉट स्पर्मेटो फोर्स स्टूडेंट राइट राइट आर आर डिस्चार्ज इसका मतलब क्या है ये जो स्पेमेटो फोर्स है या बंडल ऑफ स्पर्म्स है डियर स्टूडेंट्स दे आर डिस्चार्ज राइट ड्यूरिंग पॉपुलेशन राइट डी स्टूडेंट्स राइट इसका मतलब क्या है सो स्पर्मेटो फोर्स स्पर्म्स इन द फार्म ऑफ बंडल ऑफ स्पर्म्स नथिंग बट वाट स्पर्मेटो फोर्स आर डिपॉजिटेड इन टू फीमेल बॉडी डी स्टूडेंट्स ये याद रखिए बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स राइट इसके साथ हमने टेस्टिस और सेमिनल वेसिकल्स दो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया स्टूडेंट्स राइट राइट ये बहुत ज़्यादा सिंपल uh, है याद रखिए स्टूडेंट्स राइट right, राइट right. चलो अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट राइट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डी स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा टेस्टिस देखा स्टूडेंट और सेमिनल वेसिकल देखा अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर और एक कॉम्पोनेट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट right, कॉम्पोनेंट कह सकते हो आप स्टूडेंट्स राइट राइट एक्सेसरी ग्लैंड स्टूडेंट्स क्या है एक्सेसरी ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपको यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो एक्सेसरी ग्लैंड देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स राइट एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल काक्रोच इंक्लूड्स वाट मशरूम ग्लैंड स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड यू कैन फाइंड इट्स इट लुक्स लाइक वाट मशरूम सो देर फॉर इट इज़ कॉल्ड वाट मशरूम ग्लैंड एंड मशरूम ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन वाट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट याद रखिए इसलिए मैंने हाईलाइट किया है मशरूम ग्लैंड इज लोकेटेड इन सिक्सथ एंड सेवंथ एबडोमिनल सेगमेंट किस में होता है सिक्सथ एंड सेवंथ एबडोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड होता है स्टूडेंट याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा जो ग्लैंड है ना स्टूडेंट्स राइट राइट इसको मशरूम ग्लैंड क्यों कहते हैं बिकॉज ऑफ वॉट इट्स शेप इज़ लाइक मशरूम राइट इट लुक्स लाइक मशरूम सो देर फोर इट इस कार मशरूम ग्लैंड इसका लोकेशन याद रखना होगा स्टूडेंट्स आपको सिक्सथ और सिक्सथ और सेवंथ एबडामिनल सेगमेंट में दोनों से दो सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड होता है याद रखें सिक्सथ और सेवन्थ एबडामिनल सेगमेंट में और इसके साथ आपको और एक ग्लैंड देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स जिसको फैलिक ग्लैंड कहते हैं उसको कांग्लो बेट ग्लैंड भी कहते हैं याद रखें बेटा यहाँ पर मैंने मैंशन किया आप देख सकते हो फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लो बेट ग्लैंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखें फैलिक ग्लैंड और कांग्लो बेट ग्लैंड सिक्रेशन एनसीआर टी का पॉइंट है सीक्रे दिस टू ग्लैंड एक्ट एज वॉट एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड डे स्टूडेंट्स इन मेल कॉकरोच राइट सो मेल कॉकरोच में कौन से कौन से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं या कौन से कौन से एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं आप बताइए स्टूडेंट्स उनके नाम एक है मशरूम ग्लैंड राइट राइट दूसरा ग्लैंड है फैलिक ग्लैंड डर स्टूडेंट्स फैलिक ग्लैंड को हम कांग्लो ग्लैंड भी कहते हैं याद रखिए एनसीआर का ये दोनों ग्लैंड को मिला के एनसीआर का एक स्टेटमेंट है एनसीआर को ही राइट सलाम कीजिए आप एन के पॉइंट्स याद रखिए बाकी के फालतू पॉइंट्स याद मत रखिए स्टूडेंट याद रखिए सो ये जो सीक्रेशंस ऑफ दिस टू ग्लैंड जो है ना स्टूडेंट्स राइट ये दोनों ग्लैंड के सीक्रेशन दे नरिश द स्पर्म्स बोल के एन का स्टेटमेंट है इसको याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दे सीक्रेशंस वॉट नरिश द स्पर्मेटोजुआ आर स्पर्म्स डियर स्टूडेंट्स राइट राइट अभी कुछ अलग अलग बुक्स में अलग अलग देता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स याद रखिए राइट राइट बहुत ही सिंपल है अभी देखिए कॉन्ग्लोबेड ग्लैंड जो है ना उसके सीक्रेशन का कोई फंक्शंस जो है ना व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्ग्लोबेड ग्लैंड दैट इज नॉट नोन राइट याद रखिए टिल डेट सो एज फार एज वट यू कैन से जो मशरूम ग्लैंड है ना डी स्टूडेंट्स मशरूम ग्लैंड में यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दो ट्यूब्यूल से एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और वाट एक स्मॉल ट्यूब्यूल से डी स्टूडेंट्स राइट राइट सो ये याद रखना होगा आपको मशरूम ग्लैंड सिक्रेशन एक्चुअली हेल्प इन वाट नरिशमेंट ऑफ द स्पर्मेमेटो जो आर डी स्टूडेंट्स राइट सो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देर सीक्रेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटो फोर्स डी स्टूडेंट्स राइट राइट ये कोई मायने नहीं रखता इसको छोड़ दीजिए आप इतना ही याद रखिए एज फार एज एक्सेसरी ग्लैंड आर कंसर्न इन मेल कॉकरोच यू कैन फाइंड वाट टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एक है मशरूम ग्लैंड राइट स्टूडेंट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड है और वो फिफ्थ और वो सिक्स और सेवंथ एबडामिनल सेगमेंट में होता है छः और सात एबडोमिनल सेगमेंट में याद रखिए मशरूम ग्लैंड के साथ साथ और एक है फैलिक ग्लैंड उसको कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं स्टूडेंट्स राइट सीक्रेशन ऑफ दिस टू ग्लैंड्स हेल्प इन नरिशिंग द स्पर्माटोजो एन का स्टेटमेंट है राइट स्टूडेंट राइट चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। और मैं आपके साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा आप देख सकते हो स्टूडेंट्स राइट यहाँ पर देखिए दूसरा है एक्सटर्नल जेन जेनेटियालिया डी स्टूडेंट्स राइट एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टूडेंट राइट मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम मेल गोनाफोफाइसिस भी कहते हैं याद रखिए है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए मेल गोनाफोफाइसिस कहिए या मेल एक्सटर्नल जेनेटियालिया कहिए मीनिंग एक स्टूडेंट्स राइट मेल गोनापोफाइसिस या मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया को और एक नाम है फैलोमेयर्स डे याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या है फैलोमेयर स्टूडेंट्स राइट राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटियालिया को हम फैलोमर्स नहीं फेलोमेयर्स नहीं कहते स्टूडेंट्स राइट मात्र और मात्र मेल एक्सटर्नल जेनेटियालिया को ही हम फेलोमेयर्स कहते याद रखिए राइट फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनेटालिया होते हैं स्टूडेंट्स राइट right? उनका नाम फैलोमेयर्स कभी भी गलती से भी गलती नहीं करना याद रखिए मेल एक्सटर्नल आर आरकार्ड वॉट फेलोमेयर्स स्टूडेंट राइट राइट सो मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया कहिए मेल गोनेफोफाइसिस कही स्टूडेंट्स इसी तरह से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटालिया फीमेल गोनेफोफाइसिस कह सकते लेकिन फीमेल फैलोमियर्स आप नहीं कहेंगे याद रखिए बेटा राइट राइट फैलोमियर्स ये मेल के लिए यूज किया जाता याद रखिए स्टूडेंट्स राइट सो मेल एक्सटर्नल जेनेट या मेल गोनेफोफाइसिस या फैलोमियस कह सकते हो स्टूडेंट्स राइट right? आप ये क्या है एक्चुअली ये क्या है इनका काम क्या है ये हमको थोड़ा सा देखना है स्टूडेंट राइट राइट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक इमेज बताया स्टूडेंट्स देखिए मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच ये जो जेनेटालिया का मतलब क्या है जेनेटल से है स्टूडेंट्स याद रखिए जैसा पिनिसा और वेजेना होता है राइट सो इन मेल्स में अगर इंसानों में देखे तो मेल एक्सटर्नल जेनेटल आर्गान्स अगर देखोगे तो पिनी से डी स्टूडेंट्स राइट फीमेल में वेजैना वगैरह होता है ना तो कुछ उसी तरह से ये जेनेटल आर्गान्स है और दे हेल्प इन वॉट कापुलेशन डी स्टूडेंट्स ये जो है ना मेल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटल आर्गान्स आर जेनेटियालिया हेल्प्स इन वाट पॉपुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कॉकरोच मेटिंग राइट विद हेल्प ऑफ वॉट जेनेटल आर्गान्स डी स्टूडेंट्स आर जेनेटा लिया आर एक्सटर्नल जेनेटाला आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल है तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन देखना है हमको एक्जैक्टली exactly है क्या देखिए जैसा इंसानों में जेनेटल आर्गांस से पिने से कुछ उस तरह से यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर क्या है जेनेटल आर्गान्स क्या है एक्सटर्नल जेनेटालिया क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया के हद तक है जहाँ तक मेल जेनेटा जेनेटल जेनेटल आर्गानस की बात है या मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया है स्टूडेंट खाइटिनस असीमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स क्या है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है खाइटीनस असीमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स ये से मेड अप ऑफ वॉट खाइटिन आपको पता है खाइटिन क्या है स्टूडेंट राइट ये पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट है होमो पॉलिसी राइट है स्टूडेंट राइट विल डिस्कस अब बायोमोलिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे डिटेल में सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर खाइटिनस असीमेट्रिकल है कोई सिमेट्री वगैरह नहीं होता यहाँ पर राइट सो so, खाइटिनस असीमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स राइट स्टूडेंट राइट सराउंडिंग द मेल गोना फोर आर सराउंडिंग द मेल जेनरटल अपर्चर टेंट है आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स मेल एक्सटर्नल जेनेट जो है राइट राइट इनको हम फेलोमियस भी कहते हैं और कितने हैं यहां पर आप देखिए तीन हैं थ्री खाइटीनस असीमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच आर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर और मेल जेनेटल अपर्चर और कालवर्ट मेल एक्सटर्नल जेनेट अब मैंने तीन जब बताया स्टूडेंट्स तो उनके नाम भी देखना है आप यहाँ पर एन के डायग्राम में उनके आप नाम भी क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स डायग्राम में बताया सो एक एक लेबलिंग इंपॉर्टेंट है आपको वो रटना होगा आपको याद रखना होगा स्टूडेंट राइट क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है राइट बीस बीस का क्वेश्चन पेपर देख के बहुत ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन पेपर था राइट स्टूडेंट राइट बहुत से लोगों को 360 को 360 आ सकते वो पेपर में याद रखें स्टूडेंट्स तो फ्यूचर में आने वाला पेपर बहुत टफ हो सकता है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी याद रखिए बेटा राइट राइट जो हो गया उसके बारे में मत सोचो जो होने वाला है उसके बारे में सोचो चलो आगे बढ़ते और देखते तो यहाँ पर तो आपको समझ में आऊँगा स्टूडेंट्स राइट ये एक्सटर्नल जेनेटल क्या है खाइटिनस राइट आसीमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स विच आर सराउंडिंग द मेल जेनेटल अपर्चर आर कार्ड वट एक्सटर्नल जेनेटियालिया और गोनेप मेल गोनेप या फैलोमेयर्स देखिए तीन बताया था मैंने कौन से कौन से आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स राइट है यहाँ पर देखिए राइट फैलोमेर आर यू एबल टू सी एक राइट right फैलोमेर है स्टूडेंट्स राइट साइड में है, तो राइट right फैलोमेर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक वेंट्रल साइड में होता है तो उसको वेंट्रल फैलोमेर कहते हैं स्टूडेंट्स दूसरा देखिए लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट फैलोमियर तो आप बताइए हो सकता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा लेफ्ट राइट और वेंट्रल की डार्सल वेंट्रल याद रखिए लेफ्ट राइट वेंट्रल लेफ्ट राइट वेंट्रल लेफ्ट राइट डार्सल ने लेफ्ट राइट वेंट्रल दैट्स इट दीज आर थ्री फैलोमेयर याद रखिए स्टूडेंट्स अब और एक मैं आपको स्पेशलिटी बताऊंगा लेफ्ट फैलोमेर के स्टूडेंट्स राइट लेफ्ट फेलोमेयर में आपको क्या दिख रहा है ये खैटिना स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स लेफ्ट फैलोमेयर में आपको दिख रहा है देखिए आप टिटीलेटर दिख रहा है क्या है स्टूडेंट एक टिटीलेटर है टिटीलेटर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन व्हाट लेफ्ट फैलोमेर याद रखिए लेफ्ट फैलो में टिटिलेटर कहाँ पर होता है लेफ्ट के ऊपर राइट के ऊपर वेंट्रल के ऊपर लेफ्ट के ऊपर सूडोपिनिस डे स्टूडेंट्स और एक कॉम्पोनेट है सूडोपिनिस ये दो सूडो पिनस और टिटीलेटर दे आर जनरली फाउंड ऑन लेफ्ट फैलोमेर याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है सो इसके साथ हमने क्या देखा स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेर एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स राइट राइट चलो स्टूडेंट्स और कुछ आगे देखते हैं और देखिए इसके साथ हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स राइट राइट बहुत ही सिंपल है बेटा याद रखिए और यहाँ पर मैं आपके साथ और एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा स्टूडेंट्स राइट वो पॉइंट क्या है देखिए ये दो ग्लैंड है ना स्टूडेंट्स राइट right? ये है मशरूम ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है ये देखिए ये मशरूम ग्लैंड है याद रखिए यहाँ पर मैं उसको मशरूम बताना चाहूँगा याद रखिए ये मशरूम ग्लैंड है स्टूडेंट राइट right? कौन सा ग्लैंड है मशरूम ग्लैंड ये मशरूम ग्लैंड में आपको दो तरह के ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट राइट देखिए आप यहाँ पर ये जो स्मॉल है ना स्टूडेंट्स ये सेंट्रली ये लोकेटेड स्मॉल ट्यूबल से याद रखिए और जो पेरीफेरली लोकेटेड ये कौन से लॉन्ग ट्यूबेल से याद रखिए राइट राइट ये यूट्रिकुली मेजर्स कहते हैं इसको याद रखिए जो पेरीफेरल लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है ना बेटा इसको यूट्रिकुली मेजर्स मेजर्स का मतलब है बड़े राइट राइट मेजर्स कहते हैं याद रखिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूट्रिकुली मेजर्स राइट स्टूडेंट राइट यूट्रिकुली मेजर्स याद रखिए ये जो दूसरे स्मॉल है ना ट्यूबल्स इसको हम यूट्रिकुली ब्रेवी वोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स राइट यूट्रिकुली ब्रेवी ओरस कोई जरूरत नहीं है इसका एन सी में मेंशन नहीं है ब्रेवी ओर्स डी स्टूडेंट्स यूट्रिकुली ब्रेवी ओर्स राइट ये याद रखिए यूट्रिकुली ब्रेवी ओर्स का मतलब है स्मॉल ट्यूबल्स लॉन्ग ट्यूबल्स का मतलब है यूट्रिकुली मेजर्स डी स्टूडेंट्स राइट राइट ये थोड़ा सा याद रखिए स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं स्टूडेंट्स देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब देखिए मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे मैंने ये डिटेल में आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट्स डिफरेंसेस बिटवीन मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच में आपको एनल सिरसी तो मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच में दोनों में भी दिखेगा स्टूडेंट्स राइट राइट जो ये कार्डल स्टाइल्स है ना काडल स्टाइल्स मेल कॉकरोच में होंगे फीमेल कॉकरोच में एबसेंट होंगे स्टूडेंट्स उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था राइट right, राइट right. चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या राइट राइट देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल के बॉडी में ऑब्वियसली सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड याद रखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट वन पेयर ऑफ ओवर इस डी स्टूडेंट्स इसलिए मैंने दो ओवर इस पर रखा है दो ओवीडक्ट से देख सकते हो आप ओवीडक्ट से स्पर्म्या थी है स्टूडेंट राइट याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेयर ऑफ स्पेरमिया थी राइट और देखिए जेनेटल चेंबर है डी स्टूडेंट्स ये सिंपल है याद रखिए ये हमने मार्फोलॉजी में देखा था जेनेटल चेम्बर और है ग्लैंड्स ग्लैंड स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एक्सेसरी ग्लैंड्स को एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कोलेटेरियल ग्लैंड अब बताइए कोलेटेरियल ग्लैंड जो है ना ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड से कि फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ये फीमेल एक्सेसरी रिपोर्डक्टिव ग्लैंड याद रखिए कोलेटेरियल ग्लैंड तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच वन पेयर ऑफ ओवरिस राइट डे स्टूडेंट्स राइट याद रखिए जेनाइटल चेंबर और ये कोलियाटेरियल ग्लैंड राइट राइट चलो इनके बारे में हम वन बाई वन हमको देखना है स्टूडेंट्स राइट राइट चलो देखते हैं वन बाई वन अब देखिए स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरा कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है याद रखिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ओवरिस है जैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट का था क्या था टेस्टिस था तो उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ओवरिस राइट सो so, फीमेल गोनेट्स आर कार्ड वॉट ओवर स्टूडेंट्स राइट राइट अभी देखिए कॉकरोच फीमेल कॉकरोच में कितने ओवरिस होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीमेल कॉक्रोच में दो ओवरिस होते हैं स्टूडेंट्स राइट आपको दिख रहा है ये पीले कलर में डी ए स्टूडेंट्स याद रखिए यही ओवरिस है राइट राइट बहुत ही सिंपल है सो so, फीमेल कॉक्रोच कंसिस्ट ऑफ वाट वन पेयर ऑफ ओवरिस डी स्टूडेंट्स ये कौन से सेगमेंट्स में होते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए हमने टेस्टिस्ट देखा था स्टूडेंट्स फोर टू सिक्स राइट चार पाँच छः में तीन सेगमेंट में अपडाउन सेगमेंट में टेस्टिस होते हैं याद रखिए लेटरली अरेंज ओवरिस कौन से सेगमेंट में होते हैं कॉकरोच के आप देखिए स्टूडेंट राइट ओवरिज होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू टू सिक्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ फोर टू सिक्स था सिक्स कामन है राइट right? वहाँ पर चार पाँच छः में अभी यहाँ पर देखिए दो तीन चार पाँच छ मतलब चार सेगमेंट में वहाँ पर तीन सेगमेंट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो तीन चार पाँच छ राइट पांच सेगमेंट में डी स्टूडेंट्स यहां पर पांच सेगमेंट में के पांच सेगमेंट में क्या है ओवरी से देखिए वहां पर मात्र तीन सेगमेंट में क्या थे टेस्टिस थे याद रखिए वहां पर क्या चार पांच छे में टेस्टिस है यहां पर दो तीन चार पांच छह तक क्या है ओवरी से ओवरिस डिस्टूडेंट तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सिंपली याद रखिए अ पेयर ऑफ ओवरिस आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच राइट एंड दे आर लाइंग लाइंगली इन राइट ये बहुत ज़्यादा है, याद students. तो आप देखिए और एक मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्लियरली बताया सामने देख लिया अब देखिए एक एक ओवर में आपको छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे स्टूडेंट्स एट ईच ओवर इज फॉर्मड एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स ये जो ओवरी दिख रहा है ना बेटा उसमें ओवरी में क्या है छोटे 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 ट्यूब ट्यूबलाइक -like स्ट्रक्चर्स है कहने बताइए हाँ एक ओवरी जो है ना पूरा एक ओवरी एक राइट कुछ ट्यूब लाइक आठ आठ होते एग्जैक्टली नंबर exactly, भी याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईच ओवर इज मेड अप ऑफ वॉट आर कंसियस ऑफ एट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स डी स्टूडेंट्स ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं उनको हम राइट इनको ओवेरियोल्स भी कहते हैं याद रखिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कही है या इनको ओवेरियल्स कहिए मीनिंग एक ही है डे स्टूडेंट्स याद रखिए सो अभी बताइए ये भी क्वेश्चन बन सकता है अभी तक हमने दो नंबर वाले देखे डे स्टूडेंट्स ओवर इसमें ओवर संख्या दो होती है ओवर लाइंग लेटरली फ्रॉम सेकंड टू तो सिक्स सेगमेंट राइट सेकंड टू सिक्स एपड सेगमेंट एक याद रखिए ईच ओवर इज मेड अप ऑफ आर कंसियस ऑफ़ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स माने एट ओवेरियल्स याद रखिए ओवेरियल को हम क्या कहते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियन ट्यूबिल को हम क्या कहते हैं ओवी ओवेरियल कहते हैं स्टूडेंट याद रखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है याद रखिए स्टूडेंट राइट राइट आप देख सकते हो ये ओवेरियन ट्यूबवेल में क्या है ओवेरियन ट्यूबवेल कंटेंट्स व्हाट चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा डी स्टूडेंट चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा स्टूडेंट राइट right? मान के चलिए देखिए आपके सर ने ये मैंने आपको जस्ट रफ स्केच दिया यहाँ पर आप देखिए ये क्या है स्टूडेंट ये जो ओवेरियन ट्यूब्यूल है ना एक ओवेरियोल है इसमें आपको इस तरह से क्या दिखेगा ये चेन ऑफ डिवेलपिंग ओवा दिखेगा स्टूडेंट्स याद रखिए चेन ऑफ डिवलपिंग ओवा दिखेगा याद रखिए इसमें दो पार्ट होते हैं जर्मिनेरियम राइट डी स्टूडेंट्स याद रखिए कोई जरूरत नहीं है उसका याद रखिए स्टूडेंट राइट राइट विटिलेरियम और जर्मिनेरियम ये याद रखिए सो कम से कम इतना याद रखिए ये है ईच ओवर इज मेड अप ऑफ अपट ओवेरियन ट्यूबुल्स ये एक सिंगल ओवेरियन ट्यूबुल सर ने आपके बताया है याद रखिए राइट right? इसको हम ओवेर भी कहते हैं स्टूडेंट्स राइट दिस ओवेर कंटेंस वॉट ओवेरियोल कंटेंस चेन ऑफ डिवेलपिंग ओवा देखिए वेरियस डिवलपिंग स्टेजेस में आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स ये पूरे ओवा है ओवा प्लोरल ओवम सिंगुलर याद रखे सो so, इतना ही याद रखना है एनसीआर में जो लिखा वो याद रखिए आगे बढ़िए सो ईच ओवर ई कंटेंस वेट ओवेरियन ट्यूबुल्स दे आर ऑलसो कॉल्ड ओवेरियो राइट स्टूडेंट राइट ovaries contain what ovaries contain developing chain of developing ova student right iske sath humne ovary dekh liya bahut jyada important structure of female reproductive system humne dekh liya students right jo ki female gonads se humne ovary dekh liya student ab dekhiye cockroach mein female cockroach में female reproductive system में another second important component क्या है? ovary इसके बाद देखिए students बहुत ही simple है. फ्रॉम ईच ओवर ई वन डक आर आईजेस राइट उसको हम क्या बोलते हैं ओवीडक्ट बोलते हैं स्टूडेंट राइट सो देखिए कॉकरोच में कितने ओवीडक्ट्स होते हैं दो इसलिए मैंने यहाँ पर ओवी डक लिखा है याद रखे बेटा राइट देखिए ओवीडक् डायरेक्ट बोल सकते आप फ्रॉम ईच ओवर ई वन डकट आर आईजेस एंड दैट इज कल्ड ओवीडक्ट राइट स्टूडेंट राइट सो दो ओवीडक्ट्स है सो टू ओवी ज्वाइन विद ईच अदर टू ओवी डॉ पर आप देख सकते हो क्लियरली डी स्टूडेंट टू ओवी एंड दे आर फॉर्मिंग वॉट राइट दे आर फॉर्मिंग मीडियम लार्ज ओवीडक्टी स्टूडेंट्स राइट ये दो छोटे याद रखिये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेजाइना ओपन राइट इंटू जेनाइटल चेम्बर आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स वेजाइना ओपन देखिये ये जो वेजाइना है ना बेटा ये वेजाइना इज ओपनिंग इन टू वॉट वेजाइना इज ओपनिंग इन टू जेनाइटल चेम्बर डे स्टूडेंट्स ये जो दिख रहा है आपको बेटा ये पूरा जेनेटल चेंबर है याद रखिए बेटा राइट राइट ये पूरा जेनेटल पाउच है याद रखिए ये जेनेटल चेंबर पाउच में दो एंटेरियर जो चैंबर है ना उसको जेनेटल चेंबर कहते हैं याद रखिए है। और पोस्टेरियर जो चैम्बर है ना उसको वेस्टिबुलम कहते हैं स्टूडेंट्स या वो थेकल कहते हैं याद रखें है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट याद रखिए लास्ट में हम लास्ट राइट में हम देखेंगे ये क्या ये जेनेटल पाउच में क्या क्या स्ट्रक्चर है ये देखेंगे स्टूडेंट राइट राइट अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने ओवरी देखा डी स्टूडेंट्स राइट ओवरी में हमने क्या देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ओवरीज दे आर लाइंग लैटरली फ्रॉम सेकंड टू सिक्स एबडोम सेगमेंट स्टूडेंट्स राइट राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए दूसरा ईच ओवर इज मेड अप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट्स राइट राइट याद रखिए इनको ओवेरियोल्स भी कहते हैं याद रखिए ईच ओवेरियोल कंटेंट वॉट ईच ओवेरियल कंसिस्ट ऑफ राइट

ज वेनाइटना इन फीमेल कॉकरोच ओपन इन टू वाट जेनाइटल चेंबर ऑफ वाट जेनाइटल चेंबर ऑफ जेनाइटल पाउच डी स्टूडेंट्स याद रखिए बाई मीन ऑफ फीमेल गोनो फोर आर फीमेल जेनेटल अपर चूडेंट राइट राइट आप देख सकते हो क्लियरली चलो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते और कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, है, तीसरा क्या है? आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स स्पेरमा राइट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी देखिए आप समझ सकते हो एनसीआरटी में एक पॉइंट है वन पेयर ऑफ स्पेर स्टूडेंट्स कितने वन पेयर कहा गया है एनसीआरटी में इसके ऊपर जरा फोकस कीजिए वन पेयर ऑफ़ ऑफकोर्स आपको दिखेगा भी यहाँ पर कुछ बुक्स में क्या लिखता है इसको वन पेयर नहीं कंसिडर करते हुए लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस बोल के कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स तो आप एन को फॉलो कीजिए बस एन से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए नीट के लिए याद रखिए वो एन गीता है आपके लिए वही कुरान है वही बाइबल है आपके लिए याद रखिए कौन सा एन तो स्पर्माथिका की जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स वन पेयर ऑफ स्पर्म्याथिका आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच ये स्टूडेंट्स ये याद रखिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सिक्स्थ एबडोमिनल सेगमेंट में स्पर्म्या थी का सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट स्पर्म्स आई मीन टेस्टिस फोर टू सिक्स राइट ओवर इज फोर टू सिक्स डी स्टूडेंट्स ओवरी इज टू टू सिक्स टेस्टिस फोर टू सिक्स स्पर्म्या का याद रखिए सिक्स्थ राइट मशरूम ग्लैंड सिक्स्थ और सेवन्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेटा है इसी में से क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सो वन पेयर ऑफ स्पर्माथिका आर फाउंड इन फीमेल कॉकरोच आप बताइए स्पर्म्याथी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है स्पर्माथीका कभी भी याद रखिए हमने इसमें देखा था अर्थवाम में भी देखा था डियर स्टूडेंट्स हालांकि अर्थवाम जो है हेरमाफ्रोडाइट है वो मोनेशियस है वो बाइसेक्स है कॉकरोच कैसा है यूनिसेक्सुअल है या डेशियस है राइट right, डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है गोनो है सो स्पर्माथिका इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट फीमेल रिपोडक्टिव सिस्टम याद रखिए सो वन पेयर ऑफ स्पर्माथिका आर फाउंड इन फीमेल कॉकरोच राइट स्टूडेंट राइट और फे इज जनरली फाउंड इन सिक्स एबडोमिनल सेगमेंटेड ये स्टूडेंट्स याद रखिए एंड स्पर्माथिका ओपनस इंटू वाट स्पेरम्याथिका आल्सो ओपन्स इंटू जेनेटल चेंबर राइट ये याद रखिए वेजैना एंड स्पर्माथिका वेजा एंड स्पर्माथिका ओपन इंटू जेनेटल चेम्बर याद रखिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जेनेटल चेंबर किसका है ये जो जेनेटल पाउच में एंटीरियर जो पार्ट होता है ना उसको जेनेटल चेंबर कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइनायाट्रियम भी कहते हैं उसको क्या कहते हैं गाइनाट्रियम हम लास्ट में देखेंगे उसको तो इसके साथ हमने क्या देखा स्टूडेंट्स इसके साथ हमने स्पर्म्याथीका कंप्लीट कर लिया अब देखिए स्पर्म्याथीका का खासियत क्या है जब फीमेल में स्टूडेंट जब कापुलेशन होता है कापुलेशन के बाद जो मेल कॉकरोच होता है ना मेल कॉक्रोच डिपॉजिट्स स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वॉट स्पर्म बंडल्स या स्पर्माटो फोर्स इन टू द राइट फीमेल जेनेटल चेम्बर डियर स्टूडेंट्स याद रखिए फीमेल जेनेटल पाउच आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल है याद रखिए सो so, आप बताइए स्टूडेंट्स ये स्पर्माथिका का फिर जो व्हाट यू कैन से आप डायरेक्ट कह सकते हो ये सब कुछ ब, बोलने के बजाय ड्यूरिंग पॉपुलेशन व्हाट हैपेंस मेल कॉकरोच डिपॉजिट्स मेल कॉकरोच डिपोजिट स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मैटो फोर्स स्पर्म बंडल्स राइट एंड दोज इन द फीमेल बॉडी एंड यू नो दोज स्पर्मैटो फोर्स गिवन बाई द मेल कॉकरोच विल बी स्टोरड वेयर फॉर टाइम बींग इन द स्पर्माथिका इसका मतलब सीधा सीधा ये है स्पर्माथिका कंटेन्स आर स्टोर्स स्पर्मैटो फोर्स डी स्टूडेंट्स राइट वो मैंने मैंशन किया आप देख सकते हो स्पर्मा स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू राइट स्पर्माटो so, फोर्स ये तो सही बात है अब हम देख देख लिए दे, देख चुके थे स्टूडेंट्स अभी ये जो देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये एनसीआरटी में नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट इन फीमेल्स देखिए इन फीमेल्स में क्या होता है इन फर्टाइल फीमेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स इन स्पर्माथिका स्पर्माथिका इज ए पार्ट ऑफ वॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल बॉडी विल बी देर वाट यू कैन फाइंड इन स्पर्माथिका इन फर्टाइल फीमेल स्पर्माथिका कंटेन्स वाट स्पर्मैटो फोर्स डे स्टूडेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग वॉट पॉपुलेशन मेल कॉकरोच ने जो स्पेमेटो फोर्स फीमेल कॉकरोच के बॉडी में डिपॉजिट किया था ना स्टूडेंट्स वो कहां पर एग्जैक्टली exactly डिपॉजिट किया था बताइए तो वो है स्पेरमाथिका uh, में याद रखिए बेटा राइट right? एक्चुअली वो डिपॉजिट होते हैं जेनेटल चेम्बर में वहां से जेनेटल पाउच में वहां से वो मूव करके चले जाएंगे किधर स्पेरमैथिका में डियर स्टूडेंट्स तो इतना ही याद रखना है सो ड्यूरिंग पॉपुलेशन मेल कॉकरोच गिव्स स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ स्र्मेटो फोर्स टू द फीमेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच राइट मींस फीमेल काक्रोच रिसीव वाट स्पर्माटो फोर्स फ्रॉम मेल कॉकरोच एंड स्टोर्स फॉर बीइंग इन स्पर्माथीका डी स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स राइट right? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा स्पर्माथीका के बारे में हम पढ़ लिए चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम देखते हैं अब देखिए और एक मोट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फीमेल रिपोडक्टिव सिस्टम का डी स्टूडेंट्स कोलेटेरियल ग्लैंड्स क्या कोलेटेरियल ग्लैंड्स डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं स्टूडेंट्स फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और कोलेटेरियल ग्लैंड्स देखिए कोलेटेरियल ग्लैंड्स वन पेयर ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड्स यू कैन फाइंड आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बताया है देखिए हर बार मैंने इस तरह से आपको बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब मैं पढ़ाता या इधर मैं एक्सप्लेन करते रहता स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पर क्लियरली डायग्राम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो सर क्या बता रहे है? राइट right, कौन से पार्ट के बारे में बता रहे हैं यहां पर मैंने हाईलाइट किया है आप देख सकते हो देखिए कॉकरोच में बिहाइंड ओवर इस डी स्टूडेंट्स राइट आप देख सकते हो ऑन आइदर साइड राइट राइट आप देखिए यहाँ पर यू कैन फाइंड वाट देखिए ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स राइट ये ही कोल्याटेरियल ग्लैंड से देखिए इधर एक कोल्याटेरियल ग्लैंड इधर एक कोलैटेय ग्लैंड सो आपको इतना ही याद रखना है राइट कोलैटेरियल ग्लैंड्स आर फीमेल एक्सेसरी रिपोर्डक्टिव स्टूडेंट्स वन पेयर ऑफ कोलैटेरियलेंट बिहाइंड ओवर के पीछे है तो इसलिए वन पेयर ऑफ कोलैटेरियल याद रखिये दीज ग्लैंड ओपन इन टू वाट जेनेटल पाउच अब देखिए ये जो ग्लैंड का डकटाने वाला कोलैटेरियल ग्लैंडेरियल ग्लैंड ऑफ द कोलैटेर ओपन इन टू वट दे ओपन सेपरेटली इन टू जेनेटल पाउच डी स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब देखिए इसका काम क्या है जैसा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था स्टूडेंट्स मशरूम ग्लैंड का और फैलिक ग्लैंड दे देर सम सिक्रेशन समहा देर सिक्रेशंस नरिश द स्पम्प एन का पॉइंट याद रखिए बहुत ही सिंपल है राइट right, राइट right. तो कुछ उसी तरह से यहाँ पर क्या है यहाँ पर कोलेटेरियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है कोलेटेरियल ग्लैंड का सिक्रेशन का फंक्शन क्या है देखिए सिक्रेशन ऑफ द कोलेटेरियल ग्लैंड है ना स्टूडेंट्स दे फॉर्म वाट हार्ड केस राइट उसको हम वो थी का कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए अराउंड व्हाट फर्टिलाइज्ड एग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अराउंड फर्टिलाइज्ड एग मैंने यहाँ पर सीधा एक्स लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि ओवा इसका मतलब है फर्टिलाइज्ड एग डी स्टूडेंट्स राइट राइट अब बताइए कोलेटेरियल ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है सो so, इतना याद रखिए कोलेटेरियल ग्लैंड्स सिक्रेशन आर सिक्रेशन ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केस आर हार्ड कवरिंग अराउंड वॉट फर्टिलाइज एग्स एंड वो हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ऊ थी का कहते याद रखिए इसके साथ हमने कोलेटेरियल ग्लैंड्स पढ़ लिया स्टूडेंट्स राइट राइट अब देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप देखिए यहाँ पर मैंने ऊ थी का अभी अभी मैंने बताया था आपको ओ थी का क्या है अराउंड फर्टिलाइज एग फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना होगा स्टूडेंट्स राइट राइट अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद काक्रोच में क्या फार्म हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद काक्रोच में फार्म हो गया स्टूडेंट्स राइट फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज के एक के अराउंड एक हार्ड केस फार्म हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट right? वो हार्ड केस को ही हम क्या कहेंगे ऊ थीका कहेंगे याद रखिए स्टूडेंट्स राइट right? थोड़ा हमको ऊ थीका के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है स्टूडेंट राइट देखिए ऊथी का है क्या फर्टिलाइज एग्स आर एनकेस्ड फर्टिलाइज एक्स आर एनकेस्ट का मतलब क्या है फर्टिलाइज एक्स आर एनकेस्ट का मतलब है याद रखिए बेटा बहुत encased, right? ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइज एग्स आर एनकेस्ट राइट इन कैप्सूल्स एंड दिस कैप्सूल्स आर कालवाट ऊथी का स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी फर्टिलाइज एग्स होते हैं ना किसमें फीमेल कॉकरोच में डियर स्टूडेंट्स दोज फर्टिलाइज एग्स आर

दे आर इनकेस्ड इन वॉट कैप्सूल्स एंड दो कैप्सूल्स आर कल्वॉट ऊथी का ये डायरेक्ट है तो आप सिंपली अगर आपको फॉर एवर याद रखना है तो सिक्रेशन ऑफ कोलैटेरियल ग्लैंड फॉर्म अ हार्ड केस आर कैप्सूल अराउंड फर्टिलाइज एग्स एंड दैट कैप्सूल इज कॉल्ड वट ऊथी का डी स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखें सो ऊथी का कैसे दिखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स ऊथी का दिखने में कैसे दिखते हैं सो ऊ थी का रेडिश राइट टू ब्लैक ब्राउन होते हैं याद रखिए ऊथी का कैसे थे डार्क रेडिश से लेके ब्लैक ब्राउन होते हैं याद रखिए है। ये यह यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया स्टूडेंट्स राइट राइट ऊथी का जो है छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं स्टूडेंट्स राइट उसके अंदर क्या होते हैं फर्टिलाइज एग्स होते कितने होते वो देखेंगे हम डिटेल में और अगर ऊथी का का आप साइज़ देखोगे स्टूडेंट्स ऊथी का का साइज़ है देखिए राइट एट एम एम आप देखिए कितना छोटा होगा एट एम एम बोले तो आप देख सकते हो एट एम एम लॉन्ग है student, right? Right? यहां पर, मैंने वन बाई थ्री बाई एट थ्री बाई एट राइट ऑफ थ्री बाई एट आप स्टूडेंट्स राइट right? इसको एम में, में कन्वर्ट किए तो इतना होता तो डायरेक्ट एम एम याद रखिए सिंपल है सो ऊ थी का इच ओ थी का साइज इज एट लॉन्ग डर स्टूडेंट राइट और ऊर्थी का किस तरह का होता है डार्क रेडिश ब्राउन से लेके याद रखिए ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है डार्क रेडिश ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है यहां पर आप देख सकते हो रेडिश राइट ब्लैकिश ब्राउन यहां पर मैंने बताया स्टूडेंट राइट राइट अब देखिए दिस ऊथी का आर जनरली ड्रॉप्ड बाय व्हाट फीमेल राइट सो ये ऊथी का कौन रिलीज करेगा फीमेल रिलीज करेगी नेचुरली देखिए आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए ये जो फर्टिलाइज एग है ना स्टूडेंट्स फर्टीलाइज एग कहाँ पर आएंगे फर्टिलाइज एग आएंगे देखिए यहाँ पर आ गए कहाँ पर ऊथिकल चेम्बर भी कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए ऊथिकल चेंबर में जो फर्टिलाइज एग आए ना हाँ यस इसके ये फर्टिलाइज एग के अराउंड क्या होगा ये कैप्सूल फार्म होगा स्टूडेंट्स इतना याद रखिए ऊथिकल चेम्बर में ऊथिका फार्म होते याद रखिए और जेनेट पोस्टेरियर पार्ट और पोस्टेरियर चेंबर ऑफ द जेनेटल पाउच को हम ऊथिकल चेंबर कहते हैं ऊथिकल चेंबर में ऊथिका फार्म होते हैं राइट राइट सिंपल फिर फीमेल जो है ना ऊथिका को रिलीज़ करेगी स्टूडेंट राइट कहाँ पर रिलीज करेगी जहाँ पर ह्यूमिडिटी है जहाँ पर राइट फूड मटेरियल का अवेलेबिलिटी है राइट right? जहाँ पर सेफ्टी लगता है वो कॉकरोच को जैसे मान के चलिए कहीं पर क्रिविसेस में राइट right, या क्रैक्स में जो पत्थरों के क्रैक्स होते हैं दीवारों के क्रैक्स होते हैं स्टूडेंट्स राइट right? उसमें जहाँ पर रिलेटिवली हाई ह्यूमिडिटी है और फूड वहाँ पर अवेलेबल है वैसे जगह पे जनरली ऊथिका को फीमेल रिलीज करती है स्टूडेंट्स राइट राइट ये मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर एनसीआर का पॉइंट है याद रखिए बेटा राइट राइट सो ये सब आपको याद रखना होगा राइट स्टूडेंट राइट अब देखिए ये कि एक फीमेल जो है ना स्टूडेंट्स राइट right? कितने ओथिका रिलीज करेगी एक फीमेल वन सिंगल फीमेल रिलीजियस नाइन टू टेन ऊथी का स्टूडेंट्स ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और ईच ऊथी का कंटेंस फोर्टीन टू सिक्सटीन फर्टिलाइज एक्स डी स्टूडेंट्स फोर्टीन टू सिक्सटी फर्टिलाइज एक्स थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बताऊँगा तो आपको समझ में आ सके स्टूडेंट्स मान के चलिए ये का है राइट right? का में दो लेयर्स में फर्टिलाइज एक्स होते याद रखिए राइट देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हो गए आठ एक रो में आठ है दूसरे रो में आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ राइट ये क्या बन गया भी? ये है ऊथिका राइट ऐसे एक फीमेल ये ऊथी का है क्या है ऊथी का है याद रखिए एक ऊथिका में अगर मान के चलिए चौदह है तो सात सात दो रो में रहेंगे सोलह है तो आठ आठ दो रो में रहेंगे फर्टिलाइज डे याद रखिए तो एक फीमेल ऐसे कितने ऊथी का देगी एक फीमेल ऐसे नौ से दस ऊथी का देगी जरा सोचिए आप काक्रोच में क्या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है देखिए एक ऊथिका में चौदह से सोलह है राइट क्या फर्टिलाइज एग्स राइट स्टूडेंट राइट वैसे दस नौ से दस दस राउंड फिगर ले लेते हैं हम दस दे देते तो एक में हम मान के चलिए सोलह पकड़ लेंगे तो इसका मतलब क्या है दस ऊथिका दस इंटू सोलह दस इंटू सोलह का मतलब क्या होता है दस इंटू सोलह का मतलब होता है सीधा सीधा एक सौ साठ मतलब एक सौ साठ फर्टिलाइज एग है मतलब एक फीमेल एक सौ साठ फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करेगी याद रखिए राइट राइट मतलब एक सौ साठ काकरोच बन सकते एक फीमेल से याद रखिए बेटा राइट right, राइट right. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपको समझ में आऊँगा राइट राइट ये याद रखिए सो वन फीमेल ईच फीमेल रिलीज हाउ मेनी एट टू टेन ओथी का एंड ईच ऊ ऊथी का कंटेंट हाउ मेनी फोर्टीन टू सिक्सटीन फर्टिलाइज स्टूडेंट्स राइट राइट इसके साथ हमने ऊथी का कंप्लीट कर लिया अब बताइए ऊथी का फॉर्म करने वाले ग्लैंड्स का नाम क्या है कोल्लैटेरियल ग्लैंड्स राइट राइट बहुत ही सिंपल है याद रखिए चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं हम देखिए अभी जेनेटल पाउच के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर मैंने क्लियरली मैंशन किया है देखिए आप लास्ट में देख सकते हो स्टूडेंट्स जेनेटल पाउच फीमेल में यहाँ पर आप देख सकते हो जेनेटल पाउच है ऑफकोर्स याद रखिए सिंपल है इसका कुछ स्पेशलिटी है इसीलिए मैंने यहाँ पर ये यह ऑलरेडी मैंने आपको मार्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में बताया था स्टूडेंट्स राइट राइट बहुत ही सिंपल है मेल ब्रूड पाउच या मेल जेनेटल पाउच भी कह सकते हो आप राइट या फीमेल जेनेटल पाउच या फीमेल ब्रूड पाउच भी आप कह सकते हो ये जो फीमेल जेनेटल पाउच है ना स्टूडेंट्स याद रखिए जेनेटल पाउच इसमें दो कॉम्पोनेंट से दो चेम्बर से याद रखिए तो ये किस तरह से बनता है चलो पहले वो देखते हैं स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था इन फीमेल्स सेवंथ स्टेरनम राइट सेवंथ स्टेरनम सेवंथ स्टेरनम मतलब आपको पता है जो सेवंथ सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट का वेंट्रल स्क्लेराइट होता है ना उसको स्टेरनम कहते हैं स्टूडेंट याद रखें स्टेरनाइट्स और स्टेरना प्लोरल राइट स्टेरनम सिंगुलर याद रखें स्टूडेंट्स राइट राइट बहुत ही सिंपल है तो यहाँ पर इन फीमेल सेवंथ याद रखिए स्टेरना यू कैन से नथिंग बट वॉट कैसा है बोट शेप्ड है याद रखिए इन फीमेल्स सेवंथ बोट शेप्ड स्टेरनम और स्टेरना और राइट right? ये जो तीन स्टेरना याद रखिए रखिये सेवेंथ नाइन्थ उसमें सेवंथ बोट शिफ्ट है इन फीमेल सेवंथ शिफ्ट एथ नाइन्थ ये जो स्टेरना है स्टूडेंट स्टेरनाइट प्लोरल आप कह सकते हो स्टेरना भी प्लूरल है स्टेरनाम सिंगुलर है स्टेरनाइट प्लूरल है याद रखिए सो इन फीमेल्स सेवन दैट इज बोट ये तीन स्टेरना राइट स्टूडेंट राइट दे फॉर्म वॉट ब्रूड पाउच और उसको हम जेनेटल पाउच भी कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब देखिए जेनेटल पाउच इन फीमेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स राइट कौन से पार्ट से आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स जो एंटीरियर पार्ट है ना ये जेनेटल पाउच है पूरा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द जेनेटल पार्ट जेनेटल कॉल्ड व्हाट सॉरी एंटीरियर पार्ट ऑफ द जेनेटल पाउच इज कॉल्ड व्हाट जेनेटल चेंबर डी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जेनेटल पाउच में जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको हम क्या कहते हैं जेनेटल चेंबर कहते हैं स्टूडेंट राइट पोस्टेरियर पार्ट जो है ना किसका जेनेटल पाउच का उसको हम कहते हैं ऊथिकल चेंबर ऊथिकल चेंबर को हम वेस्टिब्यूलम भी कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए और जेनेटल चेंबर का दूसरा नाम है जेनेटल चेंबर का दूसरा नाम है गाइनयाट्रियम क्या बेटा गाइनयाट्रियम है याद रखिए गाइनयाट्रियम बोलिए या जेनेटल चेंबर बोलिए मीनिंग ये राइट ऊथिकल चेंबर बोलिए वेस्टिबुलम बोलिए मीनिंग एक ही स्टूडेंट्स राइट यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन मेंशन किया है एंटीरियर गाइनाट्रियम उसका दूसरा नाम है जेनेटल स्टूडेंट्स राइट इसमें क्या क्या होता है देखिए फीमेल गोनोफोर होता है स्टूडेंट्स स्पर्मैथिकल पोर्स होते हैं स्पर्मैथिकल ओपनिंग राइट याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग होती है आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो देखिए ये जो वेजाइना है वेजाइना का ओपनिंग को हम क्या कहते हैं फीमेल गोनोफोर फोर डी स्टूडेंट्स कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग भी यहां पर इसे में चेंबर में है याद रखिए और स्पर्मिया का ओपनिंग भी कहां पर मीडियन ओविडक्ट का ओपनिंग भी वहां पर होता है स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट राइट अब देखिए पोस्टेरियर जो चेंबर है किसका जेनेटल पाउच का उसको हम क्या कहते हैं ऊथिकल चेंबर याद रखिए बेटा क्या हैल चेंबर ऊथीकल चेंबर को दूसरा नाम है वेस्टिबुलम स्टूडेंट्स राइट राइट उसी में क्या होता है ऊथी का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स याद रखिए इसके साथ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच डिटेल में देख लिया स्टूडेंट्स राइट राइट चलो स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं हम देखिए डेवलपमेंट की बात करेंगे कॉकरोच में किस तरह का डेवलपमेंट होता है राइट राइट स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट इन कॉकरोच डेवलपमेंट इज कॉल्ड पारो मोटाबोलस डेवलपमेंट डी स्टूडेंट्स कौन सा पारो मेटाबोलस डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखिए पारोमेटाबोलस डेवलपमेंट ये पारो मेटाबोलस डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है पारो मेटाबोलस डेवलपमेंट का मीनिंग है डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेजेस राइट कॉकरोच के डिवलपमेंट में कुछ आपको निम्फल स्टेजेस देखने को मिलते स्टूडेंट्स याद रखिए निम्फ क्या है निम्फ है मीनिएचर अडल्ट निम्फ का करेक्ट डेफिनेशन क्या है साइंस में जुआलोजी में ये मिनीचर अडल्ट है याद रखिए स्टूडेंट राइट राइट देखिए आप यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा मैं अगर बताते रहा तो आपको समझेगा नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ इमेज के माध्यम से बताना चाहा चाहिए स्टूडेंट्स राइट राइट आप देख सकते हो ये काक्रोच है कॉकरोच है स्टूडेंट्स राइट राइट मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच इस तरह से मैंने आपको दो कॉकरोचेस बताए राइट अगर ये देखिए ये क्या है निम्फ है स्टूडेंट राइट अब इसमें और इसमें क्या फर्क है देखिए दिखने में हु बहु अडल्ट काक्रोच के जैसा दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स राइट इसमें विंग्स नहीं वो बात अलग है विंग्स को अगर छोड़ दिए तो बाकी लेग्स विग्स सब कुछ सेम है कि नहीं बताए हाँ तो मीनिएचर अडल्ट को हम निम्फ कहते हैं तो कॉकरोच के डेवलपमेंट में कॉकरोच डेवलपमेंट इज कार्ड मेटाबोलस डेवलपमेंट व्हाई बिकॉज इन कॉकरोच डेवलपमेंट अकर्स आर प्लेस थ्रू निम्फल स्टेजेस डी स्टूडेंट्स राइट ये एक कारण है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन और असर्शन में हम क्वेश्चन अगर पूछेंगे और मैं असर्शन बताऊँ एक स्टेटमेंट बताऊँ इन काक्रोच डिवेलपमेंट इस पारो मेटाबोलस और उसका मैं रीजन लिखूँ इन काक्रोच डिवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू निम्फल स्टेजेस तो यहाँ पर क्या होगा असरशन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन विल बी एक्सप्लेनिंग असरशन करेक्टली इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये एम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे राइट सो फ्यूचर में हो सकता है नीट में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ताकि अभी एम्स नहीं है इसलिए सो so इस बार पेपर बहुत सिंपल निकाले थे रीज़न हो सकता है यही कि जिपमार एम्स पूरे मर्ज किए गए हैं किसमें एम्स में आपने नीट में और दूसरी बात ये कोविड के पैंडामिक की वजह से भी पेपर हो सकता है इजी आया होगा अभी देखिए चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम देखते हैं देखिए निम्फ क्या है निम्फ लुक्स लाइक like, मैंने कहा था इट इज मीनिएचर अडल्ट इट लुक्स लाइक वाट अडल्ट और दे मोल्ट जो निम्फ होते हैं ना स्टूडेंट सिंगुलर निम्फ निम्फ्स राइट मोल्ट हाउ मेनी टाइम्स थर्टीन टाइम्स डे स्टूडेंट्स टू रीच वाट अडल्ट फॉर्म तो ये याद रखना पड़ेगा आपको ये जो हाउ मेनी टाइम्स मोल्टिंग अकर्स इन निम्फ टू रीच वाट अडल्ट थर्टीन टाइम्स निम्फ अंडर गो मोल्टिंग राइट स्टूडेंट राइट and this this is called what metamorphosis what metamorphosis transformation of nymph into adult right by means of uh, what you can say molting is known as what metamorphosis yaad rakhiye aur metamorphosis nymphal stages se metamorphosis mein isliye ye metamorphosis ko hum kya kehte paromotabolus development कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए और पोरोमोटाबोलस मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं इसको right, right, ये बहुत ही important है चलो स्टूडेंट्स कॉकरोच पेरी प्लान अमेरिका ना डिवलपमेंट इज कॉल पारोमेटाबोलस डेवलपमेंट बिकॉज थ्रू निम्फल स्टेजेस ये ये निम्फ क्या है ये है मिनिएचर इट लुक्स लाइक वॉट अडल्ट डी स्टूडेंट्स एंड एंडर गो हाउ मेनी थर्टीन मोल्टिंग्स टू रीच वॉट आर मोल्स टू रीच कॉकरोच डी स्टूडेंट्स राइट बहुत ही सिंपल है मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स याद रखिए और देखिए नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज लास्ट बट वन कह सकते हो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू लास्ट राइट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स याद रखिए विंग पैड्स नेक्स्ट टू लास्ट लास्ट बट वन निम्फल स्टेज इज़ हैविंग वॉट विंग पैड्स याद रखिए बट विंग्स आर प्रजेंट ओनली इन अडल्ट काोच देखिए विंग्स आर प्रजेंट ओनली इन अडल्ट काक्रोच आर आर ओनली अडल्ट काक्रोच आर हैविंग विंग्स बट लास्ट बट वन राइट ये याद रखिए स्टेज जो होता है ना स्टूडेंट्स राइट दैट इज़ वॉट लास्ट निम्फल स्टेज बट याद रखिए द नेक्स्ट टू लास्ट मतलब लास्ट बट वन निम्फल स्टेज जो है ना स्टूडेंट याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टू लास्ट nymphal स्टेज इज हैविंग विंग पैड्स बट विंग्स आर फाउंड ओनली इन adult cockroaches. याद रखे सो विंग्स आर फाउंड ओनली इन adult cockroaches. याद रखे स्टूडेंट्स राइट विंग पैड हो सकते next नेक्स्ट टू nymphal nymphal स्टेज में विंग पैड हो सकते लेकिन विंग्स आर प्रेजेंट ओनली इन adult काक्रोच स्टूडेंट्स राइट इसके साथ स्टूडेंट्स हमने पूरा काक्रोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट के साथ डिटेल में देख लिया स्टूडेंट राइट राइट देखिए एक कैप्सूल एक कैप्सूल इज नथिंग बट वट ऊथी का स्टूडेंट याद रखिए चलो अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट में अगर आप एन का बुक देख रहे हो राइट एन का बुक आपके सामने है तो एक लास्ट में एक लास्ट पेज के ऊपर कॉकरोच में एक छोटा सा पैराग्राफ होगा देखिए वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के तौर पे मैंने वहाँ पर अब प्रजेंट कर दिया कॉकरोच मेरी प्लानेट अमेरिका जो स्टार्टिंग में बताया था वही बता रहा हूँ अभी देखिए स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द कॉकरोच बहुत ही नंबर ऑफ है कॉकरोच के याद रखिए दुनिया भर में आपको पता है बहुत बड़ा इंसेक्टा बहुत बड़ा क्लास है बहुत बड़े फाइलम का आर्थरोपोड़ा लार्जेस्ट फाइलम इंसेक्टा इज वाट लार्जेस्ट क्लास स्टूडेंट आप ये सब जानते हो तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द काक्रोच स्पीसीज आर वाइल्ड राइट सो मीन्स वाट दे लिव इन वॉट वाइल्ड हैबिटेटेड ये स्टूडेंट्स राइट ये याद रखिए एंड यू नो अगर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द आई मीन जनरली देर इज़ नो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस राइट टू ह्यूमन बींग फ्राम दिस काक्रोचेज डे स्टूडेंट्स याद रखिए मतलब काक्रोचेज़ आर नॉट एट ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज याद रखिए एंड सम स्पीसीज ऑफ काक्रोचेज़ या स्टार्टड इन्हेबिटिंग विद वॉट ह्यूमन बींग्स डी स्टूडेंट्स याद रखिए कुछ काकरोचेस के स्पीसीज देखिए आपके बाथरूम में आपके किचन में कुछ आपको काकरोचेस के स्पीसीज मिलेंगे स्टूडेंट्स याद रखिए सो दे हैव स्टार्टड वॉट इन्हेबिटिंग दैट पेरी प्लानटा हेज स्टार्ट वाट इन्ेबिटिंग ह्यूमन आई मीन इन्हीबिटिंग वाट Human habitat, you remember, right, right, right. It's very simple. And see, इसका economic importance तो कुछ नहीं है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है याद रखें हालांकि मैंने heading लगाया economic importance, लेकिन economic importance कुछ है नहीं काक्रोचेस से कुछ हमको फ़ायदा है नहीं लेकिन right हो सकता है लेकिन अभी तक तो हमको कुछ ऐसा नहीं मिला कि उससे कुछ फ़ायदा है इंसान को राइट ऑफकोर्स एवरी स्पीसीज इज हैविंग इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू बट वाट काइंड ऑफ यू नो हाउ काक्रोचेस आरिफी you know beneficial to the mankind काइंड अभी तक तो हमको समझ में नहीं आया तो अभी आप उसके पीछे मत पढ़िए इतना याद रखिए कॉकरोचेस दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वॉट यूज टू द मैन काइंड बट ये जो काक्रोचेज हैं स्टूडेंट्स दे आर पॉपुलरली नोन एज आर हाउस होल्ड कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट वाई बिकॉज दे जनरली कंटोमिनेट आवर फूड एंड वाटर डीयर स्टूडेंट्स थ्रू देयर एक्सक्रेटा एंड दे स्प्रेड वॉट मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस सचैस कलरा टाइफाइड राइट एज आई मेन्शन ही कलर आर टाइफाइड एंड ट्यूबर क्लोसिसंटामिनेटिंग ऑर फूड एंड वाटर आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट देखिए काक्रोचेस किस तरह से हमारे फूड मटीरियल के ऊपर राइट right? uh, उसको कंटामिनेट कर रहे देख सकते हो स्टूडेंट राइट राइट रात के अंधेरे में काक्रोच टॉयलेट से निकले निकल के कहाँ जाएगा किचन में जाएगा इधर उधर घूमेगा राइट जो भी बैक्टीरियल डिजीज थे उसको स्प्रेड करने में उसका योगदान होता है लेकिन कोई इकोनॉमिक इकोनॉमिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका नहीं है स्टूडेंट याद रखें हालांकि हेडिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखा है लेकिन कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है इससे वॉट यू कैन से काक्रोच कॉन्ट्रीब्यूट इन काक्रोच स्प्रेड्स वॉट बैक्टीरियल डिजीजेस वैराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस राइट बाई कंटामिनेटिंग फूड एंड वाटर थ्रू बाई मीन्स ऑफ इट्स एक्सक्रीटर राइट राइट और इट स्प्रेड्स मेरी बैक्टीरियल टाइप मैनी बैक्टीरियल रखिएट्रा डी स्टूडेंट्स याद रखिए right? इसके साथ हमने कॉकरोच कंप्लीट कर लिया डी स्टूडेंट्स राइट राइट चलो कुछ प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ताकि आपको समझ में आ सके राइट right, राइट right. अब देखिए नीट में मॉडल क्वेश्चन मैंने बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में कॉलम वन कॉलम टू लिया स्टूडेंट्स राइट फैलोमेयर्स देखिए फैलोमेर्स आप किसको कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स फेलोमेयर्स राइट मेल एक्सटर्नल जेनेटियालिया मैंने बताया था गोनो फोर जो है ना स्टूडेंट राइट ओपनिंग ऑफ वॉट एजाकुलेटरी डक्ट है स्पर्माटो फोर्स बंडल राइट स्टूडेंट्स फॉर्म्स का ओवेर क्या है चेन ऑफ राइट डेवलपिंग ओवा होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए फेलोमेयर वन डी तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट सो थर्ड इज द आंसर अब देखिए कॉकरोचेस को कॉकरोचेस के प्रीवियस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए 2016 में कॉकरोच से क्वेश्चन आया था हर बार हर नीट में हर एक नीट के एग्जाम में हर साल कॉकरोच से क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स थोड़ा सा याद रखिए देखिए 2016 में कॉकरोच के ऊपर क्या क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरी प्लान अमेरिका ना देखिए दो का क्वेश्चन पेपर नीट का साइजोसिलोम बॉडी कैविटी ये है राइट राइट इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डिवलपमेंट एग्जोस्केलेटन इज मेडअप ऑफ वॉट एन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन खाइटिन मतलब एन एस्टाइल ग्लकोजामाइन उसका यूनिट होता है ये भी करेक्ट है स्टूडेंट मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी भी करेक्ट है तो आंसर है देखिए इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज नहीं इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज नहीं होता स्पाइरल क्लीवेज होता है स्टूडेंट काक्रोच में याद रखिए डिटर्मिनेट और स्पाइरल कॉकरोच में किस तरह का क्लीवेज होता है याद रखिए डिथर्मिनेट राइट डिटर्मिनेट और स्पाइरल क्लीवेज होता है कॉकरोच में याद रखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक क्लीवेज होता है तो इसलिए आंसर क्या है सेकंड आंसर है याद रखिए नीट का क्वेश्चन है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए याद रखिए ये टफ क्वेश्चन है एन सी के बुक के बाहर का क्वेश्चन है याद रखिए नेक्स्ट दो में और एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट राइट कॉकरोच के ऊपर क्या क्वेश्चन था देखिए यहाँ पर विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई द मेल कॉक्रोच फ्रॉम द फीमेल कॉक्रोच बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए फोर फोर विंग्स डार्कर दैन टेगमेना ये कोई गलत है स्टूडेंट राइट प्रेजेंस ऑफ कार्डल स्टाइल्स यस कार्डल स्टाइल्स मेल कॉकरोच में कार्डल स्टाइल्स होते हैं फीमेल कॉकरोच में एबसेंट होते हैं स्टूडेंट राइट राइट सो इससे हम कार्डल स्टाइल्स से हम पहचान सकते हैं मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को लिए स्टूडेंट्स राइट राइट बाकी के पूरे बकवास से याद रखिए एनल सिरसी तो दोनों में भी रहते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ बोट ऑन द नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट गलत है वो सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट होता है याद रखिए फीमेल कॉकरोच का सो so आंसर क्या यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ काडर स्ट्राइल स्टूडेंट्स दो नीट का क्वेश्चन है अब देखिए 2019 नीट का क्वेश्चन देखिए मैं ईयर वाइज आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट याद रखिए 2019 में नीट में क्या था सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दर्गानी कैनल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट माउथ देखिए माउथ लीड्स इनटू व्हाट स्टूडेंट्स फेरिंग्स लीड्स इन टू यूसो फैगसो इन टू क्रॉप क्रॉप लीड्स इंटू गि राइट स्टूडेंट गिजाड लीड्स इन टू वाट अब देख सकते हो स्टूडेंट्स गिजाड लीड्स इंटू किसमें देखिए यहाँ पर <coughs> राइट right? आप और आप स्टार्टिंग में से बात कर रहे हो तो फेरिंग्स ईसोफेगस ईसोफेगस से बाद में क्या आ गया गिजाड़ आएगा स्टूडेंट्स गिजाड़ के बाद क्या आएगा गिजाड़ के बाद आएगा फेरिंग्स ईसोफेगस फेरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप गिजाड इलियम कोलान रेक्टम ड स्टूडेंट्स तो आंसर होगा देखिए पहला फेरिंग्स ईसोफेगस फिर क्रॉप क्रॉप के बाद क्या है गिजाड़ है याद रखिए

राइट थोरैक्स एंड एबडोम इंडिया स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आप डायरेक्ट देख सकते हो देखिए द हेड होल्ड्स वॉट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल्ड द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंटल पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी स्टूडेंट राइट राइट ये तो मैंने डिस्कस किया था तो इस तरह से एक बताने का मकसद मेरा इतना ही है स्टूडेंट्स हर बार हर बार नीट में काक्रोच से क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स तो so, हमने काकरोच बहुत डिटेल में पढ़ लिया कुछ डाउट है तो आप वीडियोज को रिवाइंड करके देखिए राइट right? विवेक सर ने बताया सो so, वीडियोस को रिवाइंड करके देखिए उसमें आपको सब मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग यप मास्टर कीप वॉचिंग मास्टर थैंक यू